नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से ट्रेड लाइन हमें बताते हैं कि कहाँ पे बाई करना है कहाँ पे दोस्तों सेल करना है क्योंकि ट्रेड लाइन हमें बहुत चीज़ दिखाते हैं जिनको हम कभी देखना नहीं चाहते और जिनके कारण दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लॉस करते हैं और कंटिन्यू दोस्तों लॉस करते ही रहते हैं जो ट्रेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं उनका कुछ ना कुछ तो दोस्तों कनेक्शन होता है बैक हिस्ट्री से मार्केट में जो पिछला किस तरीके से प्राइजेक्शन रिएक्शन किया है उससे रिलेटेड दोस्तों कुछ ना कुछ हिस्ट्री क्रिएट होती रहती है और वैसे ही दोस्तों प्राइजेक्शन आगे चल के भी दोस्तों हिस्ट्री क्रिएट करता है तो हम देख सकते हैं कि दोस्तों जैसा कि ये एक ट्रेल लाइन हम ड्रॉ कर रखे के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से दोस्तों तो टकराने के बाद तो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से फिर से ऊपर की तरफ गया है तो ये आगे भी इस तरीके का दोस्तों प्राइजेक्शन हो सकता है कि इस ट्रेल लाइन के मार्केट नज़दीक आते फिर से दोस्तों मार्केट अप हो जाए जैसा कि यहाँ से फिर से हुआ है ठीक है ना इसके बाद दोस्तों जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुई तो कंटिन्यू दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू थ्री पैटर्न बना हुआ है उसके बाद दोस्तों मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ़ आया है उसके बाद दोस्तों एक नया ट्रेड लाइन दोस्तों बनता हुआ नज़र आया जो हम लोग सेकेंड ट्रेड लाइन जिसको बोल सकते हैं ये दोस्तों हमारा थर्ड ट्रेड लाइन है तो जब हम इसको दोस्तों कवर कर रहे हैं तो ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था तो सपोर्ट पे मार्केट क्या होता है कि सपोर्ट पे मार्केट टकराने के बाद दोस्तों ऊपर बाइंग प्रेशर रहता है सपोर्ट पेट मार्केट टकराएगा तो ऊपर की तरफ बाइंग प्रेशर रहता है जैसे कि हम इस स्टील लाइन पर काम कर रहे थे तो पहली बार टकराया तो बाइंग प्रेशर आया ऊपर की तरफ आया यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया थोड़ा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया एंड दोस्तों थोड़ा सा मार्केट एक साइडवेज में हुआ फिर से नीचे आया फिर से दोस्तों यहाँ पर टकराया फिर मार्केट में एक तगड़ा दोस्तों बी बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ पर अच्छा खासा बायर्स का पैसा दोस्तों बनता हुआ नज़र आया अगर हमें पिछली हिस्ट्री को दोस्तों पढ़ना है तो हमें इस तरीके की लाइन को दोस्तों कंटिन्यू ड्रॉ करते रहना चाहिए क्योंकि ये लाइन हमें दोस्तों पिछला डेटा देते हैं जो लास्ट में हमने किस तरीके से काम किया इससे पिछले दिन में किस तरीके से दोस्तों डे डेटा बना प्राइज एक्शन किया हुआ प्राइज एक्शन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझिए प्राइज़ का मतलब होता है दोस्तों मूल्य प्राइज़ जो है ना जो प्राइज़ का मतलब जैसे कि ये दोस्तों पच बावन हज़ार दो सौ है बावन हज़ार दो सौ है बावन बावन हज़ार आठ सौ है ये क्या प्राइस है ठीक है ना ये जो प्राइस है ना प्राइस एक्शन एक्शन का मतलब क्या होता है एक्शन का मतलब होता है दोस्तों कार्य यानी एक्शन का मतलब किस तरीके से मार्केट कार्य कर रहा है प्राइस का मतलब मूल्य किस तरीके से कार्य कर रहा है उसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसीलिए तो हम लाइनों को ड्रॉ करते हैं अब हम देख सकते हैं कि जो मार्केट है ना वो उनतीस तारीख़ का मार्केट है उसके बाद ये तीस तारीख़ का मार्केट और ये इकत्तीस तारीख़ का मार्केट नेक्स्ट क्या होगा चार नवंबर को मार्केट ओपन होने वाला है तो हम तीन दिन के मार्केट को देख रहे हैं तो पिछले दिन क्या हुआ को पिछले दिन मार्केट यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था और यहाँ से फिर से दू दूसरी सपोर्ट लेके मार्केट में एक अच्छा खासा दोस्तों बाइंग प्रेशर था उसके बाद क्या हुआ मार्केट में जब नया दिन स्टार्ट हुआ तो नया दिन मार्केट में थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट इस नीचे की तरफ आया और उसी ट्रे लाइन से दोस्तों मार्केट टकराने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ होता हुआ नजर आया तब जाके एक जी दूसरी ट्रे लाइन दोस्तों ऊपर की तरफ बनी तो दूसरी ट्रे लाइन को हमने जैसे ड्रॉ किया तो फिर हम इस ट्रे लाइन पर हम एक तो इस तरह की लाइन खींच सकते हैं एक इस तरह की लाइन खींच सकते हैं तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें कि जो प्राइजेक्शन होता है किस तरीके से हिस्ट्री वाइज काम करता है बैक हिस्ट्री को देखते किस तरीके से मार्केट काम आती है जो पिछला डेटा होता है तो जब हमारी ये तीसरी लाइन ये नीचे वाली खिंची दोस्तों ये भी सपोर्ट का, का काम कर रही है तो ये हमारा किसका काम करेगी रजिस्टेंस का काम करेगी का का जैसे कि हमारी ये पहली लाइन थी यहाँ पर ये सपोर्ट का, का, का काम कर रही थी अगर कोई ऊपर की लाइन हमने ड्रॉ कर रखी होती तो वो रजिस्ट्रेस का काम करती तो जब मार्केट यहाँ से दोस्तों टकराने के बाद इस तरीके से गया यहाँ पर जब मार्केट आया तो ये क्या हुआ ब्रेकआउट हुआ दोस्तों सेलिंग साइड में ब्रेकआउट हुआ इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ जो हमने जो लाइन खींच रखी इसका ब्रेक हो गया तो जब इसका ब्रेक हो गया तो इस लाइन का कुछ महत्व तो कम हो गया ठीक है ना अब मार्केट आगे चल के इस लाइन पर आएगा तो बैक हिस्ट्री थोड़ी काम कर सकती है अदरवाइज मार्केट में ये ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ उतरते हुए नजर आया फिर थोड़ा मार्केट में एक रिटेस्ट पॉइंट आया है क्योंकि ये जो हम चार्ट देख रहे हैं दोस्तों ये पाँच मिनट का चार्ट है फिर से दोस्तों रजिस्टेंस में मार्केट आया तो रजिस्टेंस से फिर से दोस्तों सेलिंग प्रेशर आया कंटिन्यू मार्केट सेलिंग प्रेशर पर गिरता हुआ नजर आया तो साफ साफ में अगर आपको ये चीज़ पता होती है कि ये रजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ट्रेल लाइन के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से अच्छी खासी पोजिशन बनाकर सेल साइड में दोस्तों प्रॉफिट कर सकते थे बट क्या हुआ अब हम बैक हिस्ट्री देख सकते हैं हमने लाइन कहाँ पे खींची थी यानी कि तीस तारीख को ये मार्केट में ये मूवमेंट था आज इकतीस तारीख है तो फिर से मार्केट इस जगह पे दोस्तों आके ले क्या ले रहा है सपोर्ट ले रहा है इससे सपोर्ट ले रहा है फिर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया इस तरीके से चल रहा है ठीक है ना अब जो हमारी जो ट्रेड लाइन इकतीस तारीख को ड्रा कर रखी है अब मार्केट चार नवंबर को खुलेगा यानी कि उससे पहले एक नवंबर को एक घंटे के लिए मार्केट छः बजे खुलेगा तो छः बजे आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट देखना यहाँ से दोस्तों रेजिस्टेंस मार्केट तो ये का तो काम कर रहा है रजिस्टर लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है या इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ एक मूव दे सकता है एक घंटे का तो उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता है तो मैं आपको सिर्फ इतना इस वीडियो में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम काम करते हैं चाहे वो एक दिन का मार्केट हो चाहे वो दो दो दिन का मार्केट हो चाहे वो तीन दिन का मार्केट हो तो इसमें जो पिछली हिस्ट्री क्या होता है बैकअप में मार्केट में क्या होता है हुआ होता है उसकी हिस्ट्री दोस्तों कभी ना कभी काम आती है तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ काम आया दूसरा काम ने यहाँ आया उसके बाद नेक्स्ट दिन दोस्तों यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया उसके बाद दोस्तों ये लाइन ब्रेक हुई यहाँ पर फिर से मार्केट में इस तरीके से आया ये हमारा नया सपोर्ट बना सॉरी रजिस्ट्रेंस बना तो मार्केट यहाँ पर आया तो ये जो हमने ट्रे लाइन ड्रॉ कर रखी थी दोस्तों वो नेक्स्ट दिन काम आए यानी कि इकतीस तारीख को काम आई उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया यहाँ से सपोर्ट लिया अब ये लाइन हमने इकतीस तारीख को ड्रॉ कर रखी थी तीस तारीख़ से इकतीस तारीख पर है इकतीस तारीख को यहाँ पर यहाँ पर आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो जब ये जो लाइन है रजिस्ट्रेंस वाली लाइन है यहाँ पर दोस्तों चार तारीख को यहाँ से रजिस्टर ले कर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है और अगर हम इसको दोस्तों एक बड़े फ्रेम पर देखें तब और हमें क्लियरिटी में ये चीज़ें समझ में आएंगी उससे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ इसको मैं एक बार पंद्रह मिनट के चार्ट दोस्तों लगा के आपको दिखाता हूँ अभी हम पंद्रह मिनट के चार्ट पे दोस्तों जा, जा कर देखते हैं किस तरीके से मार्केट में ये मोमेंट काम कर रहा है देखिए किस तरीके से मूवमेंट में ये चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं पंद्रह मिनट के काम ये ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर नया ले लेके मार्केट ऊपर के नीचे नीचे की तरफ आ सकता है या फिर ऊपर की तरफ जाएगा और जो तो नीचे की तरफ आएगा तो एक एरिया में दोस्तों यहाँ पर फंस जाएगा ये मार्केट इस जगह पे आ आगे ये ट्रेल लाइन यहाँ तक रहेगी यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अड़ल्ले से नीचे जाएगा बेशक ब्रेक करने के बहुत ही रेयर कम चांस होते हैं क्योंकि ये भी दोस्तों एक तरीके से सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ से लेके कर यहाँ तक का तो बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं इस तरीके से जब हम लाइन ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसान होता है प्राइज एक्शन को रीड करने में प्राइजेक्शन को समझने इसलिए मैं दोस्तों आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम चार्ट पढ़ते हैं जब भी हम मार्केट को खोल के देख ये थोड़ा हम अपने दिमाग को शार्प करने के लिए लाइन ड्रॉ किया करें और मार्केट में प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश किया करते क्योंकि प्राइजेक्शन जो होता है ना प्राइजेक्शन से ही दोस्तों ये सारे चार्ट बनते हैं और जो चार्ट बनता है वो कैंडल से बनता है और कैंडल हमेशा प्राइजेक्शन में ही काम करती है क्योंकि जैसे कि ये कैंडल है तो दोस्तों इसमें आप प्राइजेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं ऊपर से सेलिंग प्रेशर है नीचे बॉडी ग्रीन है तो यानी कि इसमें सेलर्स बायर्स ज़्यादा हैं लेकिन प्रेशर किसका है सेलिंग का तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है जैसे कि ये वो ये कैंडल है तो कैंडल में दोस्तों क्या है कि कैंडल भी दोस्तों इसमें सेलर्स भरे पड़े और प्रेशर भी दोस्तों सेलिंग प्रेशर है तो मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा जैसे कि ये कैंडल है पहले दोस्तों मार्केट में बाइंग है दूसरी दूसरी कैंडल में दोस्तों सेलिंग है और ये एक रेजिस्टेंस पर है तो मार्केट यहाँ से कन्फर्म रजिस्ट नीचे की तरफ ही आएगा ये चीज़ें सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है अब सीखोगे कि आप कैसे क्योंकि आप मुझे फॉलो तो करते नहीं सब्सक्राइब करते नहीं तो किस तरीके से तो दोस्तों कौन आएगा आपको सिखाने के लिए कोई स्पेशल टीचर जिसको आप करोड़ लाखों रुपये में दोस्तों पेड करोगे तब भी आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ तब भी मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की शानदार वीडियो को लेकर